I am Varun Kumar. आज के लेक्चर में हम सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ेंगे. लेट स्टार्ट. लेट कैपिटल ए हमारे पास एक सेट है और R एक रिलेशन है जो कैपिटल ए वाले सेट के ऊपर डिफाइन किया गया है. R अगर एक रिलेशन है जो कैपिटल ए वाले सेट पे डिफाइन किया गया है, इसका मतलब ये जो R रिलेशन है ये A से A पे डिफाइन किया गया है. तो जो भी मैं रिलेशन बना रहा हूं उसको मैं सिमेट्रिक का बोलूंगा. कंडीशन क्या है? इफ A एंड B ये दो एलिमेंट है जो कैपिटल ए वाले सेट से आ रहे हैं एंड A, B मेरे रिलेशन में है, तो फिर B, A वाला ऑर्डर्ड पेयर भी मेरे रिलेशन में आना चाहिए. तो A और B अगर ये दो एलिमेंट मेरे कैपिटल A वाले सेट में आ रहे हैं और A, B वाला ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आ रहा है, तो फिर B, A वाला ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आना चाहिए रिलेशन को सिमेट्रिक बनने के लिए. और अगर A, B वाला ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं आया मेरे रिलेशन में तो B, A को तो देखना नहीं है. एक एग्जांपल लिखते हैं. कैपिटल A एक सेट है जिसके अंदर 1, 2, 3 ये तीन एलिमेंट है. R मैंने एक रिलेशन बनाया सेट A से सेट A में. R1 एक रिलेशन है जिसके अंदर 1, 2 आ रहा है, 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3. अब देखो 1, 2, 2, 3, 3 ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, इसीलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो होगा, बट अभी हमें बताना है कि सिमेट्रिक है या नहीं. अब आप ऐसे देख सकते हो कि A, B टाइप का कोई ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है, 1, 2 आ रहे हैं, यस, तो फिर 2, 1 आना चाहिए. 2, 1 तो नहीं आ रहा, इसीलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा. सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि 1, 2 आ रहा है और 2, 1 नहीं आ रहा. R2 एक रिलेशन देखते हैं, 1, 1, 2, 2, 3, 3. तो ऑब्वियसली ये रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक बताना है. इसमें A, B टाइप का तो कोई ऑर्डर्ड पेयर आ ही नहीं रहा, ये तो 1, 1 A, A टाइप का है, 2, 2 A, A टाइप का है, 3, 3 ये भी A, A टाइप का है. A, B टाइप का तो कोई ऑर्डर्ड पेयर आया ही नहीं. A, B आने के बाद मेरे को B, A ढूंढना होता है. A, B टाइप का तो आया ही नहीं, तो फिर मैं B, A टाइप का तो कोई देखना नहीं होगा. तो इफ वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही यहाँ पे, तो भी मेरा रिलेशन सिमेट्रिक है. अच्छा, अगर मैं एक फाई रिलेशन लिख दूं, फाई मतलब एम्प्टी सेट, तो फिर ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा? हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम बच्चे गलत बताएंगे, तो सभी बच्चे कमेंट करके इसका आंसर बताने वाले हैं, ठीक है? तो देखते हैं कितने बच्चों ने सही बताया है. जब आप वीडियो देख रहे हो तो फटाफट से कमेंट करके मेरे को बता दो कि फाई अगर एक रिलेशन है वो सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा. अच्छा, फाई एक रिलेशन है जिसके अंदर A, B टाइप का तो ऑर्डर पेयर आ ही नहीं रहा, तो B, A देखना ही नहीं है, तो कंडीशन तो वायलेट हुई नहीं, तो अभी भी ये भी सिमेट्रिक है, ठीक है? इसके बाद अब हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस. लेट कैपिटल एक सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, a1 a2 a3 एंड सो ऑन टिल an. r एक रिलेशन हमने a से a पे बनाया. मैंने हॉरिजॉन्टली अपने सेट a के n एलिमेंट्स को प्लेस किया और वर्टिकली सेट a के n एलिमेंट्स को प्लेस किया, और यहां पे अंदर मैंने a क्रॉस a के अंदर लाई करने वाले ऑर्डर्ड पेयर लिख दिए. जैसे पहली रो में क्या आएगा? a1, 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 a2 और लास्ट में आएगा a1, an. सेकेंड रो में a2, a1 वाला ऑर्डर्ड पेयर, a2, 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 a3. nth रो में आ जाएगा an, लास्ट ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा. टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर n स्क्वायर आ जाएंगे. अब आपको मेरे को ये बताना है कि डायगोनल के ऊपर कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं. टोटल ऑर्डर्ड पेयर कितने आ गए? n स्क्वायर. डायगोनल के ऊपर कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं? डायगोनल के ऊपर हैं टोटल n. अच्छा, डायगोनल के ऊपर की अगर मैं बात करूं, मतलब अबव द डायगोनल कितने एलिमेंट्स होंगे? इधर यहाँ पे मेरे पास n एलिमेंट्स हैं, टोटल n स्क्वायर है, तो डायगोनल के ऊपर की तरफ आ जाएंगे n स्क्वायर माइनस n बाय 2 और डायगोनल के नीचे की तरफ आ जाएंगे n स्क्वायर माइनस n बाय 2. डायगोनल के ऊपर n, अबव द डायगोनल, टोटल n स्क्वायर में से n माइनस करके आधे डायगोनल के ऊपर होंगे, आधे डायगोनल के नीचे होंगे. तो डायगोनल के ऊपर n स्क्वायर माइनस n बाय 2, नीचे आ गए n स्क्वायर माइनस n बाय 2. अब आप ऐसे देखो कि a1, a1 वाला ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए. अच्छा, a1, a1 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता. अगर a1, a1 वाला ऑर्डर पेयर मेरे रिलेशन में आया तो भी मेरा रिलेशन सिमेट्रिक बनेगा, नहीं आया तो भी सिमेट्रिक बन सकता है. तो डायगोनल वाले एलिमेंट्स के लिए मेरे पास दो चॉइस हैं. अबव द डायगोनल, अगर a1, a2 मेरे रिलेशन में आ रहा है, अगर a1, a2 के लिए मेरे पास दो चॉइस है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, तो फिर a2, a1 के लिए एक ही चॉइस होगा. क्योंकि देखो, अगर a1, a2 मेरे रिलेशन में आया तो फिर a2, a1 भी आना चाहिए, एक ही चॉइस है. अगर a1, a2 नहीं आया तो फिर a2, a1 भी नहीं आना चाहिए. तो a1, a2 के लिए अगर मेरे पास दो चॉइस है तो a2, a1 के लिए फिर सिंगल चॉइस है. तो डायगोनल के ऊपर वाले जो एलिमेंट्स है ना, डायगोनल के अबव द डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं, उनके लिए अगर मेरे पास दो दो चॉइस है, तो बिलो द डायगोनल वाले एलिमेंट्स के लिए मेरे पास 1, 1, 1 चॉइस है, ठीक है? और डायगोनल वाले एलिमेंट्स के लिए भी दो दो चॉइस है. तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन काउंट करने के लिए डायगोनल के ऊपर लाई करने वाले सारे एलिमेंट्स के लिए मेरे पास दो दो चॉइस है, तो 2 × 2 × 2 हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स, तो 2 की पावर n आ गया. फिर अबव द डायगोनल वाले एलिमेंट्स के लिए अगर मैं दो दो चॉइस ले रहा हूं,
a1 comma a2 के लिए दो चॉइस, a1 comma a3 के लिए दो चॉइस, तो 2 into 2 into 2 how many times, 2 की पावर n square minus n by 2. तो above the diagonal वाले elements के लिए अगर दो दो चॉइस है तो below the diagonal वाले elements के लिए 1 चॉइस होगा, तो 1 into 1 how many times, n square minus n by 2. यहां से मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस के लिए. बेस सेम है, पावर सेट हो जाएगी, n में ऐड कर देंगे n square minus n by 2. यहाँ पे LCM लेके सॉल्व करेंगे, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा n square plus n by 2. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना है. अगर मेरे कैपिटल ए वाले सेट के अंदर n एलिमेंट्स आ रहे हैं तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस विल बी 2 raised to the power n square plus n by 2. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ. तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो. ऑल द वेरी बेस्ट.